सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर साक्षी संजीव ठाकुर को और पाएं ज्योतिष से संबंधित जानकारियाँ, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम सुनामे क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों, आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे उपाय, लेकिन हम लोग रोज आपसे मिलते हैं, आपके जीवन जुड़ी हर समस्या का समाधान करते हैं। तो मेरे प्यारे दर्शकों, आज मैं आपसे बात करूंगी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में। जी हाँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में। और जो लोग जो है इस प्रॉब्लम से परेशान है, या फिर जिन लोगों का प्यार उनसे रूठ गया है और वो वापस नहीं आ रहा है और वो चाहते हैं कि उनका प्यार वापस आ जाए, तो उन्हें क्या ऐसे उपाय करने हैं, क्या अचूक उपाय करने हैं जिनसे उनका खोया हुआ प्यार या खोया हुआ व्यक्ति, जो उनसे जिसकी फ्रेंडशिप टूट गई है और वो जो है किसी और पर ध्यान दे रहा है, आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, या आपका पति या आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ जो है उसका ध्यान भटक रहा है और वो आपकी तरफ ध्यान दे, मतलब बड़ी सारी मल्टीपल प्रॉब्लम्स का वन सोल्यूशन मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। और ये उपाय आपके लिए चमत्कारी उपाय जो है वो सिद्ध होगा, और इसको लेकिन आपने बड़ी श्रद्धा से, बड़ी भावना से करना है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि जब भी आपकी फ्रेंडशिप जो है वो क्यों टूट जाती है, या हमारे घर में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है वो क्यों हो जाता है, हमारे साथ में ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले तो हम फ्रेंडशिप की बात करते हैं। अगर आपकी कुंडली में पांचवा घर डिस्टर्ब हो जाता है, पांचवें घर में जब भी शुभ ग्रह बैठ जाते हैं, तो क्या होता है कि पांचवें घर में शुभ ग्रह बैठने से ये होता है कि आपके जो है पति पत्नी के रिलेशंस जो है, या फिर आपके प्यार के रिलेशंस जो है वो बड़े अच्छे हो जाते हैं। और दूसरा जो है, अगर आपके जो है ना, क्या होता है कि कई बार हमारे रिलेशंस जो है वो अच्छे चल रहे हैं, अचानक से उसमें कुछ खराबी आ गई, तो इसका मतलब कोई राहु केतु या शनि ने वहां पर पांचवें घर पर कब्जा कर लिया, या दृष्टि संबंध जो है आपका बन गया है। और भी बड़े सारे मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, पांचवें घर का स्वामी आपका छठे घर में बैठ जाए, आठवें घर में बैठ जाए, बारहवें घर में बैठ जाए, तो बार बार अफेयर होगा, बार बार टूट जाएगा। अब बात करते हैं जब शादी हो जाए, तो शादी के बाद आपका ध्यान भटक जाता है, हमारे पति का, पत्नी का हमारी तरफ जो है ना ध्यान भटक जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको बोलूंगी, कुंडली से भी पहली बात ये है, उससे पहली जरूरी बात ये है कि आपको अपने पति को या अपनी पत्नी को मौका ही मत दो कि वो कहीं और ध्यान दे। अगर ऐसा हो रहा है कि वो बाहर जाता है और बाहर जाके उसके सारे बड़े सारे संबंध बनते हैं, और बाहर जाकर कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी कोई ऐसी हो जाती है बात, तो क्या आपको उपाय करना है। तो सबसे पहले आपको सातवां घर भी देखना होगा, सातवें घर में बैठे हुए ग्रह देखने होंगे, सातवें घर में पड़ी हुई राशि देखनी है, और सातवें घर पर किस किस ग्रह का एस्पेक्ट पड़ रहा है वो भी आपको जरूर जरूर देखना है। तो कुंडली का एनालाइजेशन करवाएंगे और उस पर अगर आप चर्चा करेंगे, अगर हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि ये प्रॉब्लम कब से आ रही है और कैसे इसको एकदम से ठीक करना है, अगर आप बहुत सारे उपाय करके थक चुके हो, तो एक बार कुंडली का एनालाइजेशन जरूर करवाइएगा। अब मैं आपको बहुत सटीक और बहुत बढ़िया उपाय बताने जा रही हूँ, जिसको कोई भी कर सकता है। आप चाहते हैं कि आपके पति का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित हो, आप चाहते हैं आपकी पत्नी का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित हो, आप चाहते हैं कि आपका खोया हुआ प्यार वापस आ जाए, या आपके जो संबंध खराब हो रहे हैं वो दोबारा से अच्छे हो जाए, सभी लोग इस उपाय को कर सकते हैं, जो भी ये चाहते हैं। तो क्या करना है, आपने वीरवार से ये उपाय शुरू करना है, और करना है पांच वीरवार आपने ये उपाय करना है। थर्सडे वीरवार को कई लोग, आप लोग कई रविवार भी समझ लेते हैं, थर्सडे को करना है आपने उपाय। आपने क्या करना है, 300 ग्राम चने की दाल लेनी है, चने की दाल को रात को भिगो कर रख देना है, सुबह आपने चने की दाल निकाल लेनी है, पानी को फेंक देना है। तीन आपने लड्डू लेने हैं, लड्डू आपने बेसन के लेने हैं, और जो पीले रंग के बेसन के लड्डू होते हैं वो लेने हैं आपने। और साथ में आपने क्या लेना है, तीन आपने केले लेने हैं, केले लेने हैं, और आपने तीन जो है आपने पेड़े बनाने हैं, इतने बड़े बड़े आटे के पेड़े। वो जो आटे के पेड़े बनाएंगे, उस पे चने की दाल को आपने लपेट देना है, चने की दाल पूरी लपेट लीजिए, और उसी चने की दाल के ऊपर ही तीन पेड़े रख दीजिए। अब आपके पास तीन पेड़े चने की दाल में लिपटे हुए हैं, और तीन केले हैं, और आपके पास है तीन लड्डू बेसन के। आपने क्या करना है, सारे सामान को फॉइल पेपर में या फिर आपने किसी प्लेट में, डिस्पोजेबल प्लेट में रखना है, और जाकर आपने ऐसी गाय को खिलाना है जो जिसके साथ में बच्चा भी हो, गाय और बच्चा, ऐसी गाय
ना मिले तो किसी भी गाय को खिला दीजिए, फिर दूसरा ऑप्शन है काली गाय को खिला दीजिए, ना मिले तो किसी भी गाय को खिला दीजिए। लेकिन आपने एक उपाय करके आना है। अब लोग ये पूछेंगे कि गाय ना मिले तो कुत्ते को खिला दें, गाय ना मिले तो चिड़ियों को खिला दें। जी नहीं, आपने ये उपाय गाय के लिए ही करना है। हम इस उपाय से आपके शुक्र और आपके बृहस्पति को मजबूत कर रहे हैं। शुक्र आपकी जिंदगी में, शुक्र आपके जिंदगी में लग्जरी देता है, पति का सुख देता है, पत्नी का सुख देता है। और हमारे जीवन में क्या करता है शुक्र, जो है हमारे जीवन में हमारे सेक्सुअल रिलेशनशिप को अच्छा करता है, हमारे अंदर ओज पैदा करता है। शुक्र अगर आपका अच्छा होता है तो ही आप अपनी मैरिड लाइफ को अच्छे तरीके से, स्मूथ तरीके से आप जो है बिताते हैं। जिन लोगों के बृहस्पति खराब होते हैं उन लोगों की मैरिड लाइफ में बहुत जीवन उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव। आज तलाक हो रहा है, कल ठीक हो जाता है, फिर ऐसा होता है, फिर ठीक हो जाता है। इसके लिए बृहस्पति की मजबूती बहुत जरूरी है। आपकी कुंडली में बृहस्पति खराब हो रहा है तभी आपके साथ में ऐसा हो रहा है, आपकी कुंडली में शुक्र खराब हो रहा है तभी आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहे हैं। अगर आप वास्तु के हिसाब से देखें अब तो आपकी जो कुंडली होती है उसका जो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन जो होती है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन जो होती है जो हमारी फन और एंजॉयमेंट की डायरेक्शन होती है, वहां पर अपने अपने हस्बैंड की और अपनी एक पिक्चर लगा लीजिए, ब्लैक कलर के फ्रेम में अपनी पिक्चर लगा लीजिए। उसमें ऐसे कलर, ऐसे देखिए कलर्स ऐसे होने चाहिए, ऐसी ड्रेस पहनी होनी चाहिए जिसमें ब्लैक हो, ब्लू हो, वाइट कलर के कपड़े पहन रखे हो आपने। ऐसे कोई लाल पीले वाले का, लाल पीली भी चल जाएगी लेकिन आपने लाल रंग के कपड़े वाली ड्रेस वाली पिक्चर वहां पर नहीं लगानी है। तो एक वहां पर अपनी पिक्चर लगाइए, साथ में अपने नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में जो आपके घर का अट्रैक्शन जोन होता है वहां पर भी अपनी पिक्चर लगा लीजिए। अपने साथ हस्बैंड वाइफ की पिक्चर, अपनी फैमिली की पिक्चर और उसे ब्लैक कलर के फ्रेम में लगा दीजिए। आपके हस्बैंड आपकी वाइफ का दिमाग इधर से उधर जाएगा ही नहीं। दूसरा, अपने घर के साउथ वेस्ट की डायरेक्शन, जो आपके रिलेशनशिप की डायरेक्शन है, जो आपके स्किल्स की डायरेक्शन है, जो आपको मजबूत करती है आपके रिलेशंस को, तो वहां पर अपनी एक गोल्डन कलर के फ्रेम में अपनी पिक्चर को लगा लीजिए और देखें उसके बाद क्या रिलेशनशिप में बाहर आ जाएगी। और मुझे आप थैंक यू करते करते नहीं भूलोगे। तो ये जो मैंने आपको एस्ट्रोलॉजिकल भी, वास्तु के अकॉर्डिंगली भी, एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंगली भी मैंने आपको जो उपाय बताए हैं, जरूर कीजिए और अपने रिश्तों को मजबूत कीजिए। जिसके ऊपर बीतती है उसे ही पता चलता है कि रिश्तों की अहमियत क्या होती है। जिसके पति उसको बहुत प्यार करते हैं, जिसकी पत्नी उसे बहुत प्यार करती है, उनको कैसे पता चलता है? उनको नहीं पता चल पाएगा। लेकिन जो इंसान इन सब चीजों से भुगत रहा है, जो भुगत भोगी है, उसे पता लगेगा कि मेरे साथ में क्या हो रहा है। और रिश्ते खराब होना जो है हमारे ईस्ट का खराब होने की निशानी होती है। ईस्ट की डायरेक्शन आपकी खराब होगी तो ही धीरे 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 आपके रिश्ते जो है वो खराब 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 होते चले जाएंगे। तो दर्शकों क्या करना है अब आपने? मैंने जो आपको रेमेडीज दी है वो आपने करनी है, उससे आपके जीवन में चमत्कार होगा। और चमत्कार को नमस्कार आप करेंगे, लेकिन चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और एक डायरी बना लीजिए, उसमें लिख लीजिए मेरे रिश्ते सुधर गए हैं, मेरे हस्बैंड मेरे ऊपर ध्यान देने लग गए हैं, मेरी वाइफ मेरे ऊपर ध्यान देने लग गई है। डायरी बनाइए, रोज लिखिए। 369 की टेक्निक मैंने आपको बता रखी है, सुबह तीन बार, दोपहर को 6 बार और रात को 9 बार रेड कलर के पेन से या ब्लू ग्रीन कलर के पेन से अपनी डायरी को मेंटेन करना शुरू कर दीजिए। आप सभी को नव वर्ष की ढेरों ढेरों बधाइयां। राधे राधे।